हमारी सीख हो तीन, सर और सरा के बाद में व्यंजन आते हैं। पाली के अंदर कुल 33 व्यंजन हैं, पांच पांच के पांच वग हैं और जो छठा वग है उसमें 8 शब्द हैं, यानी उसमें 8 अक्षर हैं जिनको अक्षर बोलते हैं। इस तरह से टोटल 33 व्यंजन हैं। पहला जो वग है वो क वग बोला जाता है, जिसमें क, ख, ग, घ और ड़ आता है। सारे ही वग बहुत ही मज़ेदार हैं, क्योंकि पाली बहुत पुरानी भाषा है, हमारी आज की हिंदी पाली ही है। जो लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी जानते हैं, अगर वो थोड़ा भी ध्यान से इन वीडियो को देखेंगे तो उनको ताज्जुब होगा कि जो भाषा बुद्ध की थी, जो भाषा पाली उस समय भिक्खुओं की थी, वही भाषा सारे के सारे लोग भारत में बोलते हैं। चाहे वो गुजराती है, चाहे मराठी है, चाहे वो पंजाबी है, तमिल की भाषाओं को छोड़ के, जो द्रविड़ भाषा हैं उनको छोड़ के, क्योंकि उनके भी पाली से उद्गम है, पाली के सारे शब्द उनमें दिखाई देते हैं। मैं उन भाषाओं को जानता नहीं हूँ, ऐसा मैंने कई जानकारों से पता किया है, मगर इन भाषाओं को, जो गुजराती, मराठी, जो नॉर्थ की भाषाएँ हैं, ये सारी भाषाएँ बहुत ज़्यादा मैच करती हैं, और पाली लगभग 99% उनमें समाई हुई है। 1% और किसी भाषा का मिक्सचर उनके अंदर आया हुआ है। जो क वग में सबसे पहले क आता है, वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार पूरा व्यंजन है। इसके बहुत सारे शब्द इसमें हैं, यानी शब्द इसमें हैं। आपने अंग्रेजी में अगर देखा होगा, एक इंटरोगेटिव वर्ड होता है, जैसे हु, वेयर, व्हेन, व्हाट, व्हाई। आप देखेंगे क्या, कैसे, कब, ये सारे वर्ड जितने भी इंग्लिश में स्टार्ट होते हैं वो डब्लू से होते हैं, यानी व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हेन, ये जितने भी हैं डब्लू से। ऐसे ही जो इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक जितने भी शब्द हैं, वो सारे के सारे पाली के अंदर और हिंदी के अंदर दोनों कैसे आरंभ होते हैं, कैसे आरंभ कैसे होते हैं, कौन है, कब है, कहाँ है, कितना है, कैसे है, ये सारे क्यों हैं, क्या है, यानी सारे सारे जितने भी स्टार्ट होते हैं प्रश्नवाचक शब्द, इंटरोगेटिव जो शब्द हैं, सद हैं, वो सारे कैसे होते हैं। और क जो व्यंजन है वो पहला है। जो इसको पाली के अंदर बोला जाता था वो था किंग, यानी किंग का मतलब है कौन। और किंग जो शब्द है, क्योंकि जो अंग शब्द है वो पाली का सिग्नेचर है, इसलिए किंग माने कौन होता है। और आपने अगर पंजाबी में ध्यान दिया हो तो पंजाबी में अधिकतर लोग कहते हैं की, यानी क्या, की हुआ, की करके वो बोलते हैं। और कौन, कैसे, कब, किथे, ये सारे शब्द जितने भी हैं आपको सारी भाषाओं में कैसे मिलेंगे। आप जहां तक भी इसको देखेंगे आपको ताज्जुब होगा कि सारे शब्द कैसे स्टार्ट होते हैं, और ये वहीं से बने हुए शब्द हैं, क्योंकि पाली के अंदर जो विभक्तियां होती हैं उनमें बहुत सारे शब्द आते हैं। जैसे मैं कुछ शब्द यहां आपको बता रहा हूं तो आप अंदाजा उसे लगा लेंगे। कथ, कथ माने कहां, किंग माने कौन, कुत माने कहां, कुतो माने कहां से। जो कुतो शब्द है, कुतो का मतलब है, जैसे हम कहते हैं मुंबई तो या जालंधर तो, इसका मतलब कुतो का मतलब है कहां से। कस्मा, कस्मा का मतलब है किस लिए, कदा का मतलब है कब। आपने सुना होगा यदा कदा बोलते हैं, यानी जब, कब, तो कदा माने हुआ कब। और इससे भी ज़्यादा जो मज़ेदार इसमें शब्द है, क्योंकि की के अगर आप, किंग के अगर आप रूप देखेंगे, रूप का मतलब होता है कि उसके टाइप, उसके प्रकार, यानी उसके और भी जो बोलने के तरीके हैं और जिनसे अर्थ निकलते हैं वो सारे उसके रूप बोलते हैं, उनको प्रकार बोलते हैं, इसको टाइप बोलते हैं। वो बहुत सारे और बहुत मज़ेदार हैं जो चलते हैं। जैसे आप देखते होंगे हरियाणवी में कहते कौन आया है, कित आया है, कहाँ जा रहा है, ये सारे शब्द कैसे ही चलते हैं। और आप गुजराती में जाएंगे तो वहाँ भी कैसे हैं, पंजाबी में जाएंगे तो वहाँ भी कैसे हैं, हिंदी में जाएंगे तो भी वहाँ से, क्योंकि पाली इनका उद्गम है, इसलिए सब कैसे ही आता है। कह के अलावा कोई भी भारत में इंटरोगेटिव शब्द नहीं बनता, प्रश्नवाचक शब्द नहीं बनता। कुछ शब्द और सुनिए जो किंग से यानी कैसे बने हुए हैं। कंग, कैन, कस, किस, कस्मा, कम्हा, किस्मा, कस, किस, कमही, कस्मी, किम्ही, किस्मी, के ही, के भी, केसंग, केसु,
कस्सा काय कासंग कासानंग कासु कसंग कायंग कंग किंग कानी। ये जितने भी शब्द आपने सुने हैं इनका मतलब है अधिकतर शब्दों का, क्योंकि जब ये मैं विभक्तियां बताऊंगा तो उसमें आपको क्लियर करूंगा, मगर ये सारे शब्द आज के वो शब्द हैं किसके लिए, किससे, किसका, किसकी, कौन, किसको, कहां से, कैसे, ये सारे शब्दों का मतलब पाली में वही है, सिर्फ आज के समय में थोड़ा सा बदल गया है। जब मैं आपको विभक्ति बताऊंगा तो आपको ताज्जुब होगा कि जो बदला है वो बिल्कुल साधारण रूप में, क्योंकि भाषा अपना अधिकतर जो बहुत हल्का रूप यानी आसान वाला रूप होती है उसको लगातार लेती रहती है। ये भाषा की, जीवित भाषा की एक खास बात है कि भाषा अपने आप को सरलतर रूप में, सरल रूप में हमेशा मॉडिफाई खुद ही करती रहती है। जो भाषा अपने आप को बदलती नहीं है वो भाषा ख़त्म हो जाती है, डेड हो जाती है। भाषा कभी भी मैथमेटिक्स नहीं हो सकती। अगर भाषा को मैथमेटिक्स बताएंगे तो भाषा डेड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, क्योंकि भाषा के अंदर और भी भाषाएं आती रहती हैं, वो अपने आप में समाहित होती रहती है। जो भाषा ज़्यादा चलती है, ज़्यादा लोग बोलते हैं, ज़्यादा लोग सुनते हैं, ज़्यादा लोग लिखते हैं, वो जीवित रह के बहुत बड़ी हो जाती है। इसका एक उदाहरण आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में जो इंग्लिश है वो इसलिए फैल गई क्योंकि इंग्लिश ने सारे शब्दों को अपने में समाहित कर लिया, और पाली इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि पाली ने जितनी भी भाषाएं थी वो सब अपने में समाहित कर ली, और जिसको आज हिंदी बोलते हैं या हिंदी भाषी भाषाएं बोलते हैं वो सारी की सारी पाली ही है। पहला जो व्यंजन है वो इसका क है, और दूसरा व्यंजन आता है इसका ख। ख बड़ा मजेदार है क्योंकि ख का जो अर्थ है वो है शून्य, यानी कि जहाँ कुछ ना हो। ये बेसिकली ओपन टू स्काई को बोला जाता है, आसमान जो ऊपर है उसको बोला जाता है कि वहाँ कुछ नहीं है। जैसे आपने शब्द सुना होगा खगोल, यानी ख और गोल, खगोल शब्द इसी से बना हुआ है, ऊपर कुछ नहीं है मगर गोल है, इसलिए वो आकाश है, तो उसको खगोल बोला, और खगोल शास्त्र आप जानते होंगे। तो क ख और ग घ और ण, ण का कोई शब्द पाली के अंदर नहीं है, यानी कि ण से कोई भी शब्द पाली में आरंभ नहीं होता, स्टार्ट नहीं होता। ख के बारे में एक मजेदार बात और भी है कि आपने सुना होगा कि भगवान बुद्ध ने, भंगी बुद्ध ने, तथागत ने खीर खाई, आज की भाषा में इसको खीर बोलते हैं। बेसिकली खीर पाली के अंदर दूध को बोला जाता है, जो दूध है उसको दूध बाद में बोलने लगे मगर उस समय इसको खीर बोला जाता था। तो भगवान बुद्ध ने खीर खाई, आज के समय ऐसा बोलते हैं क्योंकि हम चावल से और दूध से और चीनी से जो बनाते हैं उसको खीर बोलते हैं, उस समय खीर नहीं बोला करते थे। बेसिकली जो पिंड है, पिंड का मतलब होता है पिंडी या गोल गुच्छा, ये पिंड पात या पिंड भात करके, या पिंड जो पिंडी आज के नाम से दिया जाता है, उस समय इसको पिंड बोला करते थे। पिंड का मतलब हो गया कि शहद से, दूध से, चावल से मिला के जो एक उच्च किस्म का भोजन प्राप्त बनता था उसको एक तरह से पिंड बोला करते थे, जो उसके गोल गोल लड्डू जैसे बनाए जाते थे। तो खीर को यहाँ ठीक कर ले, बाद में संस्कृत भाषा में खीर को क्षीर कहा गया। आपने क्षीर सागर का नाम सुना होगा, तो बेसिकली वो क्षीर सागर नहीं, वो खीर सागर है। खीर का मतलब है दूध का समुद्र। धन्यवाद।